है ना, तो 2022-21 के बाद आप मेरे को इस बाबुओं के संगठनों की राजनीति में नहीं देखते। इसीलिए आपका नाम लिया है। मैं किसी भी सूरत में जब 2017 में आज जैसे ये नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, 2013 में जब आंदोलन हुआ था, जब केवल ये इस सोच के साथ जुड़ा था इस आंदोलन से कि 2013 में भटनागर समिति की रिपोर्ट में बाबू और एलडीसी चपरासी में 100 रुपए का अंतर हो गया था, वो यात्रा मुझे वहां से यहां तक खींच लाई। और हम किसी भी सूरत में न राज सिंह जी आगे आते, न विजय सिंह जी आगे आते, और न कमलेश जी जैसे लोग आते, न मेरे जैसे लोग आते। अगर जो लोग, अगर आप प्रत्यक्ष दर्शी हो तो जो लोग नागौर से संघर्ष समिति बना के चले थे वो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन इस मैदान में कर लेते, और वो छोड़ के नहीं भगते, वो छोड़ के नहीं भगते तो हमारे जैसे जीवों को पैदा होने की आवश्यकता नहीं थी। और मैं आपको अरविंद जी ये सब भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर इस कागज के आदेश आपको नहीं लाके दिए और जारी नहीं हुए और अगले वीक से जारी नहीं हुए तो 2021 के बाद आपको मेरे को आप कर्मचारी जगत की राजनीति में कभी नहीं देखेंगे और किसी मंच पे खड़ा हुआ नहीं देखेंगे। मैं आपको कह नहीं सकता, और आपको ये लगता है दबाव, जिस आदमी के पास 70,000 की फौज पीछे खड़ी हो वो किसी के बाप से दबने वाला जीव नहीं है, और वो न दबेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दबने की बात पे मैं आपको बिल्कुल, आप अपना माइंड वॉश कर लीजिए कि ये बंदा किसी सूरत और किसी परिस्थिति में किसी से नहीं दबेगा। और ये और बता देता हूं मैं कि जो काम ये कर सकता है या करवा सकता है वो किसी और अब तक के में तो मैंने मादा भी नहीं देखा। इसलिए मैं इस बात को पुनः कह रहा हूं कि आप लोग आए हैं, आपको पीड़ा हुई है, आपको तकलीफ हुई है, आपकी आर्थिक हानि हुई है, उसके लिए मैं करबद्ध माफी चाहता हूं और क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन सरकार निर्णय जब करेगी तभी करेगी भाई साहब, अगर निर्णय हमारे अनुरूप, आप एक बार मेरे कहने से 11 सूत्री मांग पत्र को उठाना और इस कागज को मिलाना, मेरे कहने से एक बार मिलाना तो सही।